स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म जाति वर्ग अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में का प्रयोग करेंगे तथा अपने आसपास के लोगों को इस हेतु प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। हाँ हाँ आपको अरे पीछे सभी की जोरदार तालियों के साथ एवरीवन। सो नेक्स्ट आइए वोट करके आराम से जाइएगा, आराम से चलेंगे। सभी जागरूकता अभियान के अंतर्गत है ये। चलिए चलिए ओके ओके रुक जाइए रुक जाइए, अगेन फ्लैग ऑफ होगा। और हम सब भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आज यहाँ शपथ लेंगे और इस मैसेज को पूरे समाज में पॉपुलेट करने के लिए एक करेंगे। क्या बताऊँ, मंच पे हमारे डिग्निटरीज आए हुए हैं, हमारे एडीजी सर, हमारे कमिश्नर सर, हमारे चीफ इंस्पेक्टर सर कृष्ण गोपाल तिवारी, हमारे सामाजिक न्याय विभाग से आए हुए हैं कनिष्कर सर, हमारे डीआईजी साहब, हमारे म्यूनिस्पल कमिश्नर साहब, हमारे जिला कलेक्टर सीओ मैडम और हमारे स्टेज पर सभी सम्मानित लोग यहाँ जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आप सभी को चुनाव में यानी 28 नवंबर को वोट देने बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र के लोगों को इस हेतु प्रेरित करेंगे जय हिंद, जय हिंद। हमारे बीच आ चुके हैं सभी तालियों के साथ दो निशान अभय कुमार सिंह के हमारे बीच आ चुके हैं। पीछे वाले आगे आ जाएं गेट की तरफ, आइए पीछे वाले आगे गेट की तरफ आ जाएं। बहुत बढ़िया, आइए इंदौर। इंदौर के लोग अपने उत्साह और जज्बे के लिए जाने जाते हैं। आज हम जानते हैं कि 24 अक्टूबर को वोट इंदौर वोट करके एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें खास बात है कि सभी युवाओं को खासतौर पर टारगेट किया गया है और ये युवा वोट के लिए न सिर्फ खुद आ गया है बल्कि अपने परिवार के अपने जुड़े हुए सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करें और उसका हिस्सा बने। और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, जो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। शिवाजी वाटिका से सभी लोग 28 नवंबर को वोट करें, ये हम लोगों ने प्लेज ली है।
युवा मतदाताओं को हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वे घर जाके अपने पूरे परिवार को पूरे मोहल्ले को मोटिवेट करेंगे। आइए आप और हम शपथ लें, 28 नवंबर को पूरा इंदौर वोट करेगा। बिल्कुल, इंदौर हर मायने में नंबर वन है, इंदौर वोटिंग में नंबर वन आएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। के लिए जो है अवेयरनेस के लिए आज ये मैराथन आयोजित किए, इसमें आप देख रहे हैं कितना उत्साह है लोगों में, बच्चों में, युवा लोगों में, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब और सभी अधिकारियों के सहयोग से एक बहुत अच्छा दिन रहेगा, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होंगे और सभी लोग अपने मतदान में हिस्सा लेंगे। मेरा सबसे निवेदन भी है कि इस दिन आप आवश्यक रूप से अपना वोट दें, मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। देखिए, स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, जिनका लक्ष्य है कि इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर वन आया है, वैसे ही वोटिंग के परसेंटेज में भी नंबर एक आए, और इसके लिए अलग अलग गतिविधियां जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। उसी के तहत आज जो मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा पार्टिसिपेशन है तो इंदौर मतदान में भी नंबर एक आएगा और वोटिंग परसेंटेज में भी नंबर एक आएगा।